श्री भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक द्वितीय। श्री भगवान ने कहा, संन्यासस्य फलम शौचम वाचः कर्मणाम विष्णुता देहिना शांति वचनम कर्मणा कर्मणा भिन्ने। भगवान कृष्ण ने कहा, संन्यास का फल शुद्धता और ज्ञान है, जबकि कर्म के करने से शांति प्राप्त होती है और वे दोनों भिन्न हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास और कर्म दोनों का अपना महत्व है। संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह शुद्धता और ज्ञान की प्राप्ति है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, जिससे शांति प्राप्त होती है। यह महत्वपूर्ण है कि साधक कर्म करते समय फल की इच्छा से मुक्त रहे, क्योंकि कर्म करने से ही आत्मा का उद्धार होता है। इसीलिए कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संन्यास और कर्म दोनों का अपना स्थान है और सच्चे योगी को इन दोनों का संतुलन समझना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो संन्यास और कर्म दोनों को समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखता है।